तो आज हम लोग मौजूद हैं झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद सुजान सिंह बुंदेला जी के यहाँ। दरअसल आज हम लोगों का आना यहाँ इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि आज सुजान सिंह बुंदेला जी से बात करेंगे, हालांकि इस समय वो यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को बताया गया है कि वो राजघाट में उपस्थित हैं और वहाँ जा करके उनसे जानकारी आप लोग कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन जब हम लोग यहाँ आए तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आगे की तरफ आ जाएं। जब हम लोग यहाँ आए तो ये गाड़ी जो 1947 के दरमियान उन्होंने यहाँ ख़रीदी थी और अब आप इस गाड़ी को देख सकते हैं पूरी तरीके से खंडर बन चुकी है, लेकिन ऐसी गाड़ी आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखी होगी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आगे आकर पूरी गाड़ी को फिल्मा दें, लोग देखें इस गाड़ी को। इस 1947 के दरमियान ये गाड़ी आई और जब से अब यहाँ पर खड़ी हुई है बिल्कुल खंडर बन चुकी है। इस गाड़ी में उस दौरान जब सुजान सिंह बुंदेला जी के राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई, उनके पिताजी इस गाड़ी से चला करते थे और सुजान सिंह बुंदेला जी भी कुछ दिनों तक इस गाड़ी से चले। उसके बाद अम्बेसडर का जमाना है, अम्बेसडर गाड़ी से उन्हें चलना प्रारंभ किया। लेकिन उसके पहले मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा अंदर की तरफ आ जाएं, इस गाड़ी को अंदर से फिल्मा दें। उसके बाद एक और गाड़ी है जिसको हम आप लोगों को बताएंगे। ये गाड़ी आप लोग देख सकते हैं पुराने समय की ये बिल्कुल गाड़ी है और इसमें क्या उस समय लगाया गया क्या नहीं लगाया गया इसकी कोई स्पष्ट रूप से हम लोगों के पास जानकारी नहीं है। लेकिन फिलहाल आप लोग इस गाड़ी को देख सकते हैं जो बिल्कुल स्थिति इसकी खराब। 1928 का ये मॉडल है, उन्होंने आकर के हमें बताया है 1928 का ये मॉडल है और 1928 के मॉडल के बाद ये गाड़ी सुजान सिंह बुंदेला जी के पिताजी इसको यूज किया करते थे और उसके बाद सुजान सिंह बुंदेला जी के राजनीतिक शुरुआत के सफ़र के दौरान इस गाड़ी को यहाँ पर खड़ा कर दिया गया क्योंकि तमाम जो नए मॉडल हैं वो आने लगे थे और उसके बाद इस गाड़ी को। लेकिन ये गाड़ी जब हम लोगों ने वहाँ से देखा तो अचानक इस गाड़ी पर नज़र पड़ी और हम लोगों ने आकर जब यहाँ देखा कि ये गाड़ी खड़ी है, गाड़ी काफ़ी पुरानी है, इसका कोई नंबर यहाँ पर इस पर दर्ज नहीं है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। हालांकि आप ये देख सकते हैं इसमें उस समय पानी डलता होगा तब जाकर कि ये गाड़ी चलती होगी क्योंकि पुराने इंजन है और पुरानी टेक्नोलॉजी एक अलग थी। उसी के दूसरी जगह मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा ये विदेशी गाड़ी जिसका आप नंबर देख सकते हैं MRX 8413। ये गाड़ी है और ये गाड़ी विदेशी है और दरअसल आप लोग विदेशी का इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत देश की अगर ये गाड़ी होती तो इसका जो स्टीयरिंग है वो इस तरफ होनी चाहिए थी, लेकिन गाड़ी की स्टीयरिंग इस तरफ ना होकर के इस तरफ है। मतलब साफ है कि ये गाड़ी विदेशी है, फॉरेन कंट्री की है। तो ये भी गाड़ी है जो सुजान सिंह बुंदेला जी के पास आई और सुजान सिंह बुंदेला जी इसको यूज किया करते थे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा पीछे की तरफ आ जाएं। ये गाड़ी यूज किया करते थे सुजान सिंह बुंदेला जी और ऐसा भी कहा जाता है कि शम्मी कपूर साहब बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के एक बहुत बड़े हीरो, उन्होंने भी इस गाड़ी का यूज किया है और वो भी इस गाड़ी में बैठे हैं। किसी दौरान इस गाड़ी में वो भी बैठे हैं और सुजान सिंह बुंदेला जी की ये निजी गाड़ी है जिस पर साफ तौर पर ये बुंदेला बंधु ललितपुर पीछे लिखा हुआ है। फिल्मी दुनिया में ये गाड़ी कुछ दिन रही जिसके बाद फिर वापस सुजान सिंह बुंदेला जी के इस गैरेज में इस समय आप लोग इस गाड़ी को देख सकते हैं। तो आप लोगों को हमने बताया कि सुजान सिंह बुंदेला जी का जब जीवन शुरुआत हुआ उस दौरान, हालांकि जो वो गाड़ी है वो पिताजी की देन थी, उस समय की वो गाड़ी है, लेकिन ये जो गाड़ी है जो आप यहाँ सामने देख सकते हैं ये MRX 8413, ये विदेशी गाड़ी है, फॉरेन कंट्री की गाड़ी है और यहाँ पर इस समय अपना स्थान बना करके रखी हुई है क्योंकि ये गाड़ी उनके यादगार लम्हों में से एक है। तो इन सब गाड़ियों के काफिले को हम लोगों ने आप लोगों को बताया, आगे आप लोगों से फिर होगी मुलाकात। तब तक आप सभी लोगों से निवेदन, हमारे चैनल RL Bar जर्नलिस्ट को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन बटन दबा दें जिससे आगामी कार्यक्रमों की जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।